नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में सिन्हा और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने के प्राधिकृत करने का अभिलेखों का परीक्षण करने के और उसके संबंध और आनुषिक विषयों का उपबन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं ये महान सदन के सामने एक बिल लेकर आया हूं, जो बिल 1920 के बंदी सिन्हा कानून को रिप्लेस करेगा और 1920 से जो स्थापित है वो बंदी सिन्हा कानून आज कई दृष्टि से अपने आप में, समय की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए वो प्रमाण उपलब्ध कराने में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में आज एक समय से कालबाह्य हो गया है। इसको रिप्लेस करके दंड प्रक्रिया सिनाक्त विधेयक 2022 आज मैं जो लेकर आया हूं, उससे ये सारे जो कालबाह्य हुए छिद्र है इसकी न केवल भरपाई होगी और दोष सिद्ध करने के प्रमाण के अंदर बहुत बड़ा इजाफा भी कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, दोष सिद्धि का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता है तब तक देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसलिए ये विधेयक समय उचित समय पर लाया गया है, वैसे तो बहुत लेट हो गया है। 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट के अंदर एक बंदी सिन्हा अधिनियम 1920 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। विधि आयोग, विधि आयोग ने भेजा था और उस पर बार बार चर्चा भी अनेक फोरम में हुई है। हमने भी सरकार बनने के बाद इस पर राज्यों से भी चर्चा करी है, राज्यों के साथ पत्र व्यवहार भी किया गया है, अनेक प्रकार के इस पर अभिप्राय भी लिए गए हैं और ये सब अभिप्रायों को समाहित करते हुए और दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोष सिद्धि के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ये विधेयक लाकर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है वो बहुत ही सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है, अतः ये विधेयक लेकर मैं आया हूं। परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब इसको पुरस्थापित किया जा रहा था, मेरे साथी मंत्री मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आए था, तब अनेक आपत्तियां इस पर उठाई गई, अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी कोट किया गया, उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट के एंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। चिंता उनकी वाजिब है, परंतु इस सब का इसके अंदर उनकी चिंताओं की भी चिंता इसके अंदर कर ली गई है, वो बाद में मैं जब जवाब दूंगा तब बताऊंगा। इसके साथ साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल प्रिजन एक्ट भी बना, मैनुअल भी बना रहा है, जो हम राज्यों को यहां से भेजेंगे मॉडल प्रिजन मैनुअल के नाम से। वो प्रिजन मैनुअल भेजने के बाद कई सारी चिंता है जो इसके अंदर कवर हो जाएगी।
कैदियों के पुनर्वसन के लिए है, फिर से समाज में उनको पुनः प्रस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है, अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था, ये कई सारी चीजों को ये प्रिजन के जो मॉडल प्रारूप हम यहां से भेजेंगे, वो जेल अधिनियमन के अंदर बहुत सारी चीजों को हमने समाहित किया है, इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो कृपया इस बिल को अकेले में आइसोलेशन में देखने की बजाय आने वाले मॉडल प्रिजन जेल मैनुअल के साथ मिलाकर देखना होगा, और ढेर सारी चीजों को हमने स्वीकारना भी होगा कि समय पर अगर हम इसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हमारी अदालतों को जो साक्ष्य हमने दो सिद्धि के लिए अदालतों की मदद के लिए जो उपलब्ध कराने हैं इसमें हम पीछे रहते हैं, दो सिद्धि का दर भी नहीं बढ़ता है और एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी मदद नहीं मिलती है। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर सब अपने अपने विचार रखें, मैं भी बाद में डिटेल जवाब सदन के सामने रखूंगा और नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं, अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तापित करने के अलावे कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दो सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावे कुछ नहीं है, और आगे पर यहां देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद श्री मनीष तिवारी जी।